नमस्कार दोस्तों जी के संसार में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सैंतीस प्रश्न जो कि आपके आने वाले एस एस रेलवे एल और टेक्नीशियन रेलवे ग्रुप डी और अदर सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये जो प्रश्न हैं सभी पेपर में हर बार पूछे जाते हैं इन प्रश्नों से एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटा दिख रहा है उसे जरूर प्रेस कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना एक से दो वीडियो दी जाती है जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप देख पाओगे तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न तो पहला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं जोसेफ प्रिस्टले आर्यभट्ट मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल तो आशा करता हूँ आप सबने टिकआउट कर लिया होगा इसका सही जवाब होगा हेनरी बेकुरल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी तो हेनरी बेकुरल के द्वारा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टू है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था ऑप्शन है रॉन्टजन रॉबर्ट हुक जोसेफ लिस्टर जोसेफ प्रिस्टले तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात किया था वो किया था जोसेफ लिस्टर ने ऑप्शन सी तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिकआउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे चंद्रशेखर सीवी रमन होमी जहांगीर भावा और हरगोविंद खुराना जो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग था उसके अध्यक्ष बने थे होमी जहांगीर भावा ऑप्शन सी तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिकआउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते क्वेश्चन नंबर फोर पे ईज टू एम का प्रतिपादन किसने किया था चार ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग गलेलियो और ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन तो ईज कल टू एमसी स्क्वायर का जो सूत्र है उसको प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने यानी ऑप्शन ए तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिकट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्वेश्चन नंबर फाइव है सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था आइंस्टीन ने डार्विन ने डॉल्टन ने या फिर केविन डिस ने तो ये जो दिया गया है सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया है तो दिया गया आइंस्टीन के द्वारा तो ऑप्शन ए जिन लोगों ने टिकआउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते क्वेश्चन नंबर सिक्स पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है बेंगलोर अहमदाबाद त्रिवेंद्रम या फिर दिल्ली तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है यानी इसरो जो है वो आपका बेंगलोर में स्थित है ऑप्शन ए तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिक किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे जो कि आपके स्क्रीन पे है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था यानी सीवी रमन को कब दिया गया है आपका नोबेल पुरस्कार उन्नीस 1930 1830 या फिर उन्नीस तो इसका सही जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिकआउट किया है उनका सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी रदरफोर्ड आइंस्टीन डाल्टन या फिर चैडविक तो परमाणु के नाभिक की खोज जो की गई थी वो की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिक आउट किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे सूर्य के द्रव्यमान के एक दशमलव चार द्रव्यमान को कहा जाता है रमन सीमा चंद्रशेखर सीमा मेदनाथ साह सीमा या फिर रदरफोर्ड सीमा तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 पॉइंट फोर द्रव्यमान जो है उसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा यानी ऑप्शन बी तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिकआउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते क्वेश्चन नंबर टेन पे केस्कोग्राफ नामक यंत्र की, की खोज किसने की थी जगदीश चंद्र बोस आर्यभट्ट वेंकटरमन या फिर हरगोविंद खुराना तो केस्कोग्राफ जो यंत्र है खोज किया गया था जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ऑप्शन ए आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है बिरबल साहनी सलीम अली सतीश धवन या फिर मेदनाथ साहा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो कृति है वो किसकी है तो ए आपका है मेधनाथ साहका यानी ऑप्शन डी तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को टिक आउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चेचक -चे के टीके की खोज किसने की थी तो ये प्रश्न जो है काफी बार पूछा जा चुका है एस में और रेलवे में तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब जो होगा एडवर्ड जेनर होगा ऑप्शन सी आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे किसने बताया पृथ्वी अपने अच पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है आर्यभट्ट ने रॉबर्ट हुक ने चार्ल्स डार्विन ने या फिर गलेलियो ने किसने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अच पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा यानी ऑप्शन ए तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिकउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे जो कि आपके स्क्रीन पे है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी जेम्स चैडविक न्यूटन रदरफोर्ड या फिर आइंस्टीन तो ये काफी आसान प्रश्न है तो न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वह किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा यानी ऑप्शन ए तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिक आउट किया है उनका जवाब सही है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था परमाणु का जो सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए है जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन ऑप्शन सी है Copernix. और ऑप्शन डी है तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा ऑप्शन बी तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस किन की रचना है चार्ल्स डॉर्विन रदरफोर्ड मैडम क्यूरी या फिर जेम्स चैडविक तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन ए ठीक है चार्ल्स डार्विन का ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है ठीक है ऑप्शन ए जिन लोगों ने टिकआउट किया है उनका जवाब सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन है बीस फरवरी अट्ठाईस फरवरी इकतीस मार्च या फिर अट्ठाईस जनवरी तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अट्ठाईस फरवरी तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को टिक आउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते क्वेश्चन नंबर एटीन पे हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी नीलभोर ग्रेगरी मेंडल हेनरी कैवेंडिस या फिर हेनरी बैकुरल। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोजा था वह खोजा था हेनरी कैवेंडिक्स ने तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिक आउट किया है अपने नोटबुक में उनका जवाब सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे रक्त परिवहन की खोज किसने की थी विलियम हार्वे जोसेफ आस्पडीन एडवर्ड जेनर या लैंड अस्टीनर तो विलियम्स हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे एक्सरे की खोज किसने की थी रॉबर्ट हुब्लू सी रॉन्टजन आर्यभट्ट या फिर हरगोविंद खुराना तो इसका सही जवाब होगा डब्ल्यू सी आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया न्यूटन गैलेलियो कॉपरनिक्स या फिर हेनरी बैकुरल तो ये काफी आसान प्रश्न है गति के जड़त्व नियम को जो प्रतिपादित किया गया था वह किया गया था गैलेलियो के द्वारा ऑप्शन बी आते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे गति के नियम किसने दिया था न्यूटन गलेलियो रदरफोर्ड या फिर चार्ल्स डार्विन तो गति के नियम जो दिया गया था वह दिया गया था न्यूटन के द्वारा ऑप्शन ए एक चीज आप याद रखेंगे जो आपने देखा अभी प्रश्न कि गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किया था तो गलेलियो के द्वारा किया गया था और गति के नियम जो दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था आते हैं ट्वेंटी थर्ड पे भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है होमी जहांगीर भावा बिरबल साहनी डॉक्टर सलीम अली या फिर मेधनाद साहा तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्स मैन कहा जाता है ऑप्शन सी तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिकआउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर डॉक्टर सलीम अली सी रमन या फिर हरगोविंद खुराना तो देखिए अनुवांशिकी कोड की जो खोज की गई थी वो की गई थी हरगोविंद खुराना के द्वारा ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव पे आते हैं टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन मिले हैं न्यूटन ने चार्ल्स डार्विन ने गेगरी मेंडल ने या फिर गलेलियो ने तो ये आसान प्रश्न है आप सभी को पता है कि टेलीस्कोप का जो निर्माण किया गया था वह गलेलियो के द्वारा किया गया था ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा ठीक है आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे लाइसोसोम की खोज किसने की थी बायोलॉजी का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलियम हार्वे सी डी दुबे जॉन डाल्टन या फिर ग्रेगरी मेंडल तो लाइसोसोम का जो खोज किया गया था आप सभी को पता है दुबे के द्वारा किया गया था और इसका आंसर जो होगा वो होगा बी आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था डार्विन ने लैमार्क ने डी व्राइज ने या फिर मेंडल ने तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया गया है वह डार्विन के द्वारा दिया गया ऑप्शन ए आते हैं ट्वेंटी एट पे लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रॉबर्ट गॉस पुरकिंजे या फिर ने तो लाइकेन की जो खोज की गई थी वह की गई थी किसके द्वारा तुलासने के द्वारा तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को आउट किया है उनका जवाब सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था लुइस पास्चर लिवेन हॉक एडवर्ड जेनर या फिर जॉन साल्क जीवाणु का जो पता लगाया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था तो उसका नाम था लिवेन हॉक ऑप्शन बी तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया उनका जवाब सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टी पे यानी तीसवां प्रश्न जो है वह है पेंसिलीन की खोज किसने की थी एलेक्जेंडर फ्लैविंग एलेक्जेंडर वेल एडवर्ड जेनर या फिर लुइस पास्चर तो इसका सही जवाब जो होगा वो आप सभी को पता है आई थिंक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे कोशिका शब्द का, का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था रॉबर्ट हुक चार्ल्स डार्विन एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट ब्राउन तो सबसे पहले कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा आते हैं थर्टी टू पे इंसुलिन की खोज किसने की थी वाटसन एवं क्रीक, बेंटिंग एवं ब्रेस्ट रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक तो पेंसिलिन की जो खोज की गई थी वो वैटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था यानी ऑप्शन बी आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे गामा किरण की खोज किसने की लोकियर रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या फिर पॉल विलार्ड तो गामा किरण की जो खोज की गई थी वो पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था यानी ऑप्शन डी तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को टिक आउट किया है उनका जवाब सही है आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे रेविज के टीके की खोज किसने की थी एडवर्ड जेनर लुइस पासर अलेक्जेंडर या फिर गोल्ड अस्टीन तो देखिए रेविज के टीके की जो खोज की गई थी वह की गई थी लुइस तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिकआउट किया उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर पे प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया अल्बर्ट आइनटीन रदरफोर्ड चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक तो यह किया गया किसके द्वारा चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑप्शन सी तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिक आउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है थर्टी सिक्स पे आते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बीमारी होती है हम सभी को पता है तो ऑक्सीजन की खोज जो की गई वह किसके द्वारा की गई थी रदरफोर्ड कैवेंडिक्स, अल्फर्ड नोबेल या फिर सिले और प्रिस्टले किसने ऑक्सीजन की खोज की तो ऑक्सीजन की जो खोज की गई थी वो सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था यानी ऑप्शन डी तो जिन लोगों ने ऑप्शन डी को आउट किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है एडिसन न्यूटन फेराडे या फिर गैलीलियो तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको किसने खोजा उसको खोजा न्यूटन ने यानी ऑप्शन बी तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी को टिकआउट किया उनका जवाब बिल्कुल सही है तो इस तरह से थर्टी सेवन क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं और आशा करता हूँ आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया होगा तो कितने प्रश्न आपके सही हुए आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेलाइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाओ